नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है, हर भारतवासी की यही भावना है। लेकिन कोई नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को भ्रमित करने वाले बयान दे तो क्या भारतवासी गुमराह होंगे? जम्मू कश्मीर के गठन के बाद से ही कुछ अलगाववादी नेता और राजनीतिक नेता गाहे बगाहे जम्मू कश्मीर पर अधिकार को लेकर अनर्गल बोल जाते हैं। चुनाव के मद्देनजर ऐसा ही बयान जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या एक प्रदेश को राष्ट्र के बराबर संवैधानिक अधिकार दिए जाने की मांग जायज है? जिस आधार पर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, क्या उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों के विवादित बयान संविधान के दायरे में और तर्कसंगत हैं? ये सवाल हम सबके जहन में कौंध रहे हैं। तो आज का विशेष जम्मू कश्मीर पर, जानते हैं क्यों जम्मू कश्मीर पर बहस एक बार फिर छिड़ी है। अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 35A का इतिहास भी खंगालेंगे। इसके साथ ही घाटी में आतंकवाद और विस्थापितों की समस्या को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जुड़े उमर अब्दुल्ला के बयान की काफी आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस तरह की किसी भी साजिश को वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नए भारत में ऐसे बयानों और सोच के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। ऐसे तो जम्मू कश्मीर हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन फिलहाल एक ऐसी वजह से जम्मू कश्मीर बहस का मुद्दा बन गया है जो शायद सुनने में भी अटपटा लगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये जानते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हिमायत करने से जुड़ा बयान दे डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वो ऐसी साजिशों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये लोग लिख करके रखे, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, आपकी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। इससे पहले तेलंगाना में आयोजित रैली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी कि उनके साथी पार्टी की ये मांग उनको मंजूर है या नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग घड़ी की सुई पीछे ले जाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में 1953 के पहले की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा, इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान की कड़ी आलोचना की है। अरुण जेटली ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये अलगाववादी सोच को दर्शाता है और आधुनिक भारत किसी को कभी ऐसी गलती करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अलगाववादी और आतंकवादी चाहते हैं कि राज्य का एक हिस्सा भारत से अलग हो जाए, भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को दो विधान दो प्रधान जैसी सोच का समर्थन नहीं करना चाहिए। आरंभ में पंडित नेहरू के समय प्रधानमंत्री को वहां वजीर आजम कहते थे,
राष्ट्रपति को सदर रियासत कहते थे, सूबे में घुसने के लिए अलग परमिट चाहिए था, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वहां तक एक्सटेंड नहीं करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से कई ये प्रावधान वहां से हटे। आज भी वहां का संविधान अलग है जिसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। ये केवल अलगाववाद की मनोस्थिति पैदा करने वाले बयान है। अगर इस प्रकार की मनोस्थिति मुख्यधारा की राजनीतिक दल करेंगे तो उन्हें यह फैसला करना है कि जब लड़ाई आतंकवाद और अलगाववाद से है पूरे राष्ट्र की, तो यह अलग मनोस्थिति क्यों निर्माण कर रहे हैं। अगर वो मुख्यधारा के हैं तो उनको मुख्यधारा की ओर से यह संघर्ष लड़ना चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए सभा करते हुए बांदीपुरा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम राज्य में वो व्यवस्था फिर वापस लाएंगे जिसके तहत प्रदेश का अपना वजीर आजम और सदर रियासत हुआ करता था। 30 मार्च 1965 से पहले की बात की जाए तो इससे पहले जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में जम्मू कश्मीर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ तक कि ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य में भी जम्मू कश्मीर रियासत का खास महत्व रहा। ये उन 5 रियासतों में से एक थी जिसकी व्यवस्था सीधे भारत के वाइसरॉय देखते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी आक्रमण और तत्कालीन महाराजा के आग्रह पर भारत में विलय के बाद से उपजे हालात ने इस राज्य की स्थिति को विशेष बना दिया, जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। जून 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, तब ब्रिटिश भारत की रियासतें भी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गई। इनमें जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल थी। इस अधिनियम के तहत रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहें तो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ। आजादी के वक्त कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह। वे भारत पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के पक्ष में थे और स्वतंत्र रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान ने कबायलियों के बीच में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानियों से बचने के लिए महाराजा हरी सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगी और भारत के साथ विलय के मसौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर रियासत का उसी वैधानिक विलय पत्र द्वारा भारत में विलय किया, जिसके आधार पर शेष सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। इसके बाद साल 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भागखा राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब पाकिस्तान कबायलियों ने और पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया तो उन्होंने मदद मांगी, महाराजा ने और सब लोगों ने मदद मांगी, तब भारत ने मदद देना स्वीकार किया और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया, जिसमें जैसे और राज्यों के साथ हुआ था, प्रारंभ में डिफेंस, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स वो एड किए गए और उसके बाद और मामलों पर एग्रीमेंट धीरे धीरे हुए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उसके लिए हमारे संविधान में एक धारा रखी गई 370। भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बने। हालांकि शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंदोलन और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ असंतोष को देखते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए अंतिम रूप से निर्णय करेंगे कि राज्य का संविधान क्या होगा। इसके बाद साल 1951 में राज्य की 75 सदस्यीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की।
इसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 से लागू हो गया। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक फिलहाल राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख है। हालांकि इस संविधान के तहत 1965 तक राज्य में अपना अलग सदर रियासत होता था। साल 1965 में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक बने। जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग संविधान है। वो एक ऐसा राज्य है जिन्होंने एक अपनी अलग संविधान सभा बनाई और उस संविधान सभा में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि भारत के संविधान के अनुसार और जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अनुसार, दोनों के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ गया। अनुच्छेद 370 ए में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात नवंबर 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को राज्य में लागू करने का आदेश दिया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल विदेश, संचार और सुरक्षा, जिनमें आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके तहत केंद्रीय और समवर्ती सूची के शेष विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकेंगे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही निहित रहेंगी। और 370 के तहत केवल तीन चीजों को छोड़ के, जैसे फाइनेंस, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन, इनको छोड़ के बाकी सब हक दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्य सरकार का अपना प्रधानमंत्री और अपना सदर रियासत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भी उसमें प्रावधान था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विशेष स्थिति को लेकर इसे समाप्त करने की मांग हमेशा से उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 ए यानी आर्टिकल 35 ए की। दरअसल देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए। ये लोग देश के कई हिस्सों में बसे और आज वहां के समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं। देश के जिस कोने में ये लोग बसे वहां के स्थायी निवासी कहलाने लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ आज भी कई दशक पहले बसे लोगों की चौथी पांचवीं पीढ़ी आज भी शरणार्थी ही कहलाती है और तमाम अधिकारों से वंचित है। दरअसल इन सभी के पीछे जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35 ए है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अनुच्छेद 35 ए है क्या। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद राज्य में स्थायी नागरिकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की परिभाषा तय हुई। इसके बाद 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में धारा 370 के साथ अनुच्छेद 35 ए जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार देता है कि वो राजस्थान के स्थायी निवासी की परिभाषा तय कर सके और बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से रोक सके। दरअसल अनुच्छेद 35 ए की वजह से
जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत से लोगों को आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू कश्मीर में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी ही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू कश्मीर में 5,764 परिवार आकर बसे थे। इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं है। अनुच्छेद 35 की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों के बच्चे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों परिवारों की ही नहीं है, बल्कि लाखों अन्य लोगों की भी है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में बस गए। इनमें गोरखा समुदाय से लेकर पंजाब से आए वाल्मीकि समुदाय के लोग भी शामिल हैं। 1957 में वाल्मीकि समुदाय के करीब 200 परिवारों को पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर में बसाया गया, लेकिन कैबिनेट के एक फैसले के अनुसार इन्हें खास तौर पर सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के लिए यहां लाया गया था। बीते 71 सालों से ये लोग यहां सफाई का काम ही कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आज भी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता है। आज भी इन लोगों को यहां होने वाले चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं है। 5A जैसा मैंने अभी बताया, 370 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कुछ संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर पे लागू किया जा सकता है और आवश्यक परिवर्तन संशोधन किए जा सकते हैं या उन संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है। 35A उनमें से एक प्रावधान है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू किया गया। दरअसल 1956 में बने जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी वही नागरिक हो सकता है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो। इसके अलावा उसने वहां कोई संपत्ति हासिल की हो या 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर आज के पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चला गया हो, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आया हो। इसके अंतर्गत किसी भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी निवासी बन सकता है। इसके साथ ही 1927 और 1932 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में ही 1911 या उससे पहले पैदा हुआ हो और तब से वहां रह रहा हो। साथ ही उन्होंने कानूनी तौर पर राज्य में प्रॉपर्टी खरीद रखी हो। 35A के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी हैं, जैसा मैंने कहा नागरिक तो सब भारत के हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी हैं वो ही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, उन्हें ही स्कॉलरशिप्स और नौकरियों का अधिकार है। जो मूल निवासी वहां के नहीं हैं, उन्हें वो अधिकार नहीं होगा। दरअसल अनुच्छेद 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। साथ ही दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। अनुच्छेद 35A में ये प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर ये कहा कि शादी करने वाली लड़की के जीवन तक उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे। अनुच्छेद 1 के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य में मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, वे लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 35A के संवैधानिक स्थिति को लेकर भी काफी बहस होती रही है। जानकारों का मानना है कि इसे संविधान के मुख्य भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में शामिल किया गया। यही नहीं, अनुच्छेद 35A को ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में कभी पेश किया गया। इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया।
जबकि संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक चूंकि यह संसद से पारित नहीं हुआ है, इसलिए यह अध्यादेश की तरह 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। भारत का स्वर्ग कहलाने वाले जम्मू कश्मीर ने अपने गठन के बाद से ही वादियों को गोलियों की आवाज से सहमते और लोगों के खून से बर्फ की चोटियों को लाल होते देखा है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के इशारे पर कई बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिसका नतीजा हुआ कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन। राजनैतिक अस्थिरता, अलगाववाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को समस्याओं में घेर लिया है, जिसे सुलझाने की कोशिश भारत सरकार बड़ी गंभीरता से कर रही है। कश्मीर का पहला औपचारिक दस्तावेज कलहण की राज तरंगिणी के जरिए सामने आई। ईसा पूर्व से लेकर जैनुल आबदीन के सत्ता में पहुंचने तक वहां हिंदुओं का शासन रहा। उसके बाद से अलग अलग समय में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कश्मीर पर राज किए। बाद में भी ये सिलसिला जारी रहा। रणजीत सिंह के समय सिखों ने भी इस इलाके में शासन किया। जम्मू और कश्मीर घाटी दोनों में हर तबकों के लोग शुरू से ही साथ साथ रहे हैं। 1822 में गुलाब सिंह यहां के राजा बने। 1857 में गुलाब सिंह की मौत के बाद रणबीर सिंह सत्ता में आए। 1885 में प्रताप सिंह राजा बने। 1925 में हरि सिंह ने राज्य की कमान संभाली। आजादी के वक्त वही कश्मीर के राजा थे जब भारत के साथ संधि में हस्ताक्षर हुए। उसके बाद से कश्मीर एक पहेली बनी रही। कश्मीर के दो फाड़ हो गए, आधा भारत के हिस्से में रहा, आधे पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बावजूद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत कई नियम कायदे भी अलग हैं। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में दखलंदाजी 1947 से ही लगातार जारी है। कश्मीर घाटी को लेकर ही दोनों मुल्कों के बीच तनातनी का रिश्ता बरकरार है। दोनों देशों के बीच अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं और कई समझौते भी। बातचीत की कोशिश अतीत में काफी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दरअसल कश्मीर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में पाकिस्तान ने कभी हाथ नहीं खींचे। कश्मीरी पंडित के विस्थापन के तार वहीं से जुड़ते हैं। 1988 में भारत विरोधी प्रदर्शन जब वहां तेज हुए तो घाटी को कई दफा कर्फ्यू से गुजरना पड़ा। फायरिंग और कर्फ्यू उस समय कश्मीर की सामान्य घटना बन गई। 1989 में पाकिस्तान ने उग्रवादियों को हथियार मुहैया कराने में मदद पहुंचाई और आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। देखिए, पंडितों का प्लान एक तो ये बहुत, मैं इस वाला प्लान की अगर बात करूं जो हमने हमारी आंखों देखी है, उसके कैसे क्या कारण बने, ये इसके अलग कारण है और अलग वजूहत है। ये एक फैक्ट रहा है कि कश्मीर बड़ा पंजाब की तरह बड़ा टर्मोइल भरा एरिया रहा है सदियों से, और पंडितों की ये पहली माइग्रेशन नहीं हुई। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे, उन पर बहुत प्रताड़ना की गई, बार बार हुआ। मेरे ख्याल है 6 या 7 या 8 बार उनका हुआ। आपका जो हुआ प्लान, इसका प्लान का बेसिकली राजनीतिक कारण बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक भी हैं कुछ, उसके बाद धार्मिक कारण भी बने, क्योंकि बाई एंड बाई जो है हिंदू कश्मीर में माइनॉरिटीज में होते गए, दबते गए, सुप्रेशन हुआ। राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा। जगमोहन वहां के राज्यपाल बने। जनवरी 1990 में सैन्य फायरिंग में करीब 100 लोगों के मारे जाने के बाद उग्रवादी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ। समूची घाटी में हिंसा फैल गई, लाखों लोग सड़क पर उतर आए, भारत का विरोध तेज हो गया। श्रीनगर के दूरदर्शन में हमला हुआ और उसके निदेशक की हत्या कर दी गई, और इसके बाद कश्मीरी हिंदू समुदाय के खिलाफ भी हमले होने शुरू हो गए। मार्च आते आते कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे कश्मीर घाटी में मुट्ठी भर हिंदू ही बच गए। समूची घाटी खाली हो गई और लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में आ गए, और फिर दिल्ली या जहां भी जगह मिली जाकर बस गए। आरोप ये भी है कि प्रशासन ने उस समय मुस्तैदी नहीं दिखाई। जानकार मानते हैं कि प्रशासन अगर चुस्त होता तो ये नौबत नहीं आती। जो पीड़ित हैं उनका मानना है कि टारगेट करके हमले किए गए और जान बचाने के लिए वो घर बार सब छोड़कर भाग निकले।
कश्मीरी पंडित अपने पुनर्वास की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद से इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।